हेलो गाइस, वेलकम टू माय SY एजुकेशन फॉर मिशन चैनल्स। गाइस, आज हम प्रेजेंट हैं लेकर के पर्यावरण के टॉपिक, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारे पर्यावरण के टॉपिक है। तो चलिए देखिए, स्वास्थ्य एवं रोग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ट्रिक लेकर के प्रेजेंट है। यदि गाइस मेरे वीडियो पे फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की मैं वीडियो और ट्रिक लेकर के आती रहूँगी। और इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप बीच में छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर देखिए मैं ट्रिक लेकर के आई हूँ। जो टॉपिक है और टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक से मैं आपके लिए सर्च करके जो है लाई हूँ, तो आप कहीं भी इस सारे ट्रिक को पा जाएंगे। बट जो है जो टॉपिक है उसकी जगह सेट करके मैं रखी हूँ। तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे मानव के पेट में अमाशय रस की प्राकृतिक डॉट डॉट होती है और यह भोजन के जो है पाचन में सहायता करता है। तो छारी, प्राकृतिक छारी होती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा गाइस कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीनों होते हैं। नेक्स्ट हमारे तीसरा क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस कि प्लेग है, जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे गाइस कुछ ट्रिक लेकर के आए हुए हैं हम, विषाणु जनित रोग अलग और जीवाणु जनित रोग अलग। पंडित का टिक न्यू और ए चाचा खरे गाल पे इन्हें थापो, दो ट्रिक है, एक विषाणु जनित है एक जीवाणु जनित है। तो यहाँ पे प्लेग जो है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस, यहाँ पे हमारा फोर क्वेश्चन बन रहा है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल है जो कि ज्वर में प्रयोग की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम गाइस यहाँ पे ट्रिक लेकर के आ गए, क्योंकि अभी मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसके बाद मैं विटामिन से रिलेटेड कुछ बातें करूंगी, बट मैं सोची कि इससे पहले आपको ट्रिक से परिचित करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि विटामिन ABCDE K की कमी से होने वाले रोग। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लेंगे कि रवे सारे वहाँ पर हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस रखे रहेंगे कि ABCDE K, ठीक। तो रवे, र से हो जाएगा रतौंधि, और पहले नंबर पे ए, तो ए विटामिन की कमी से रतौंधि हो जाता है। बी विटामिन कमी से वे का हो जाएगा रवे, यहाँ पे देखेंगे र वे सा मतलब स्कर्बी हो जाएगा, रे से रिकिट्स हो जाएगा, वहाँ पे वाजपन हो जाएगा, वाजपन पर का मतलब रक्त का थक्का जमना। तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधि होता है, बी की कमी से बेरीबेरी होता है, सी के स्कर्बी, डी से रिकेट्स, और ई से बाझपन होता है, के विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न बनना। अगर विटामिन शरीर में विटामिन की कमी, के विटामिन की कमी रहता है तो ब्लड जो कहीं कट टूट फूट जाने की वजह से जो ब्लड निकलते हैं उस कंट्रोल नहीं हो पाता है, ब्लड लगातार बहते रहते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट हमारा ट्रिक ही है गाइस, देखेंगे जो विटामिन अभी बताएं दो प्रकार की होती है, कौन कौन, एक तो जल में घुलनशील, दूसरी वसा में घुलनशील। गाइस ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो ठीक है, आप नहीं भी ट्रिक याद रखते हैं तो भी आप जान जाइए कि तीन हमारी, दो विटामिन जो है हमारी जल में घुलनशील है, यहाँ पे तो एक पी भी रखा गया है। वैसे आपको पता है कि अभी मैंने बताई ABCDE K हमारी विटामिन है, तो ठीक है बी और सी को निकाल देते हैं तो बाकी सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। दो विटामिन को आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, बचे सब वसा में घुलनशील। यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल, बी से हो गया बी, सी से हो गया सी, पी से हो गया पी, विटामिन ए सारे जल में घुलनशील है, BCP। अब गाइज हम देखते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे, ये भी ट्रिक है और क्वेश्चन अभी जितना कवर करवाए थे उसके आगे मैनेज करूंगी अभी मैं ट्रिक के बाद। आज आप लगातार वीडियो देखते रहिए, बीच में जाएंगे अपना नुकसान करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए गाइस, और जाते जाते लाइक डिसलाइक दोनों में से कोई एक करके जाइए, कमेंट भी कर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। छोटी आंत से निकलने वाली एंजाइम, छोटी आंत से जो है गाइस
पांच एंजाइम निकलती हैं, कौन कौन? स्माइल, सिंपल सी स्माइल याद रख लीजिए, तो यस से हो जाएगा हमारा सुक्राश, यम से मॉल्टेज, यल से लैक्टेज, लैक्टोज मॉल्टेज ऐसे भी बोल सकते हैं, और यल से हो जाएगा लाइपेज होगा, और ई से इरिफ्शिन। तो गाइस आप अपना क्लियर कर लेंगे, सारे ये एंजाइम कहाँ से निकलती है? ओनली वन छोटी आंत से निकलने वाली ये सारी एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रिक ही लेके आए हैं। अब ये अभी हम बताएं कि दो ट्रिक बताऊंगी, एक विषाणु जनित एक जीवाणु जनित। यहाँ पे विषाणु जनित द्वारा होने वाले रोग हैं, देखिए टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, ठीक है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। तो ये जो है देखेंगे यहाँ पे, टी से टिटनस, टीबी, बी से हो जाएगा ब्यूटलिस्म, और कु से कुष्ठ रोग, नी से निमोनिया, सी से सिफिलिंस, और है से हैजा, डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, और मेनिंग्स जाइटिंस हो जाएगा, मे से टा से टाइफाइड। तो ये इसका एक दूसरा ट्रिक है कि पंडित का टिकनू, तो पी से प्लेग हो जाएगा, टी से टिटनस हो जाएगा, नी से निमोनिया हो जाएगा, है से हैजा हो जाएगा। गाइस तो वो थोड़ा शॉर्ट था, इसमें बहुत सारे हो गए जो रोग फैलने वाले हैं गाइस, तो आप कर लेंगे अपना क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन पे अपने, हमारे जो ट्रिक थे इसी चैप्टर से रिलेटेड लेके आई थी, और इसके पहले मैं 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाई थी स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर कोई डॉक्टर एक कमीज को, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखें कोई डॉक्टर एक मरीज को जो है खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो हो जाएगा निमोनिया। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बनेंगे गाइस कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो गाइस अभी मैं ट्रिक में आपको बताई थी, तो विटामिन के की कमी से, जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है, ब्लड यदि कट जाता है कहीं तो ब्लड की धार चलती रहती है, वो रुकने की नाम नहीं लेती है। नेक्स्ट हमारे 7वां क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा स्कर्वी। इसीलिए मैं ट्रिक पहले आपको बता दी, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन अफकोर्स फंसेंगे, तो स्कर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन गाइस बन रहा है कि क्वासी योरेक्स नामक रोग की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासीरेक्स नामक रोग। किसकी कमी से गाइस? प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे वायरस, जो वायरस होते हैं संक्रमण से होने वाला रोग है, तो जुकाम गाइस। और आजकल मुझे भी जुकाम सर्दी हो हुआ है वायरस के ही कारण। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो सीओ गैस के कारण होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग जो होता है प्लेग रोग होता है गाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे चूहे के काटने से कौन रोग होता है? प्लेग हो जाता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा निमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा गाइस। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे 13वां क्वेश्चन बन रहा है गाइस कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है तो गाइस कौन सा है? रतौधी रोग है। सारे के ट्रिक अभी मैं बताई हूँ। और धूम्रपान से होने वाला मुख्य रोग है कैंसर, जो फेफड़ों का कैंसर होता है। नेक्स्ट है पक्ष उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो श्वसनिका में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं 16वां प्रश्न, मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है? तो प्लाइज्मो डियम्स फ्लासी पेरस पेरम के कारण होता है। यहाँ पे देखेंगे डेंगू रोग का वाहक होते हैं गाइस, तो सभी लोग को पता है कि एडिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है पल्स
पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पोलियो का कारण क्या है? तो विषाणु जनित, विषाणु है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग किस अंग, देखेंगे किस अंग में संपन्न होता है? तो अमाशय में होता है गाइस। नेक्स्ट देखेंगे, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो खनिज की आवश्यकता होती है गाइस। तो अब यहीं से मैं अपनी बॉडी पर विराम लगाती हूँ गाइस, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। कमेंट करेंगे तो और प्रोत्साहन मिलेगा।